अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर जिले के ग्रामीण डाक सेवकों ने बुधवार को मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पोस्ट ऑफिस परिसर में नारेबाजी कर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया। इससे सभी ग्रामीण डाकघरों की शाखाओं में कामकाज ठप रहा। ग्रामीण डाक सेवकों ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 दिसंबर से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी भी सूचना विभाग को डाक सेवक संघ द्वारा दी जा चुकी है। जिले में 500 ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं। इनके माध्यम से जिले के ग्रामीण अंचलों में उप डाक घरों तक पहुंचने वाली डाक बांटी जाती है। सरकारी योजनाओं की राशि का भुगतान भी ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से होता है, जो प्रभावित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार हम खरगोन जिले के 500 कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं और ये एक दिवसीय हड़ताल के होने से हमारी मांगे नहीं मानी गई तो दिसंबर में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। काम वित्तीय लेन देन डाकखाने का, बैंक का, ये सब प्रभावित होगा। डाक का आना जाना बंद हो जाएगा। वोटर कार्ड वगैरह जो बट रहे हैं अभी यूनिक, वो भी नहीं बटेंगे, काफी नुकसान होगा। क्या मांग करते हैं आप? हमारी 10 सूत्री मांगे जो है, आश्वासन कहीं बार दिए, कहीं बार लिखित में भी कर दिया, उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी आज तक हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम तंवर, AJDIU खरगोन। प्रमुख मांग है JDS साथियों को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाना है सरकारी, तो और 10 सूत्री मांगों को लेकर हमारी हड़ताल है। और यदि भविष्य में यदि हमारी हड़ताल यदि सफल नहीं होती है तो हम 5 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और 5 दिसंबर से। इसमें कितने कर्मचारी? मेरा नाम हेमराज अजनर, हमारे वहाँ 500 कर्मचारी हड़ताल पे खंडवा डिवीजन से। इससे क्या प्रभावित हो रहे हैं? इससे जो काम प्रभावित होगा, एक तो डाक का लेन देन बंद होगा, दूसरा है जो बैंक बैंक का जो वित्तीय ट्रांजेक्शन है वो सभी काम बंद हो जाएंगे। बीमा भी होता है हमारे पास, ये सब चीजें बंद हो जाएगी। आधार का जो काम चलता है, समय से काम कर रहे हम 4-5 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे वो, मेरा नाम है हेमराज अजमेर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।